यार लाहौर में ना खोते बड़े मशहूर हैं, वहाँ पे लोग खोते खाते हैं। इसने मुझे अभी बिल्ला बिरयानी खिला दी है यार। मेरा प्लान था सुबह मैं 6 बजे उठूंगा, अपना फ़ोन चार्ज करके तकरीबन 7-1 बजे तक मैं निकल जाऊंगा। बाय द वे ट्रैवलिंग करूं मैं वापस से, क्योंकि यूनिवर्सिटी वालों ने कहा था कि आपकी थर्सडे से क्लास है, आज मंडे है, तो मैंने कहा यूनिवर्सिटी ओपन होने से पहले एक टूर तो बनता है ना। अभी मैं जगह नहीं बताऊँगा थंबनेल में, आपको जगह पता चल जाएगी। फिर भी खैर अभी मैं बस निकलने लगा हूँ, उससे नाश्ता मेरा रह गया। और बाय द वे अभी 10 बजने लगे हैं, कहाँ 6 और कहाँ 10। यार पहले मैंने सोचा था मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच के बताऊंगा, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ यार मैं फैसलाबाद जा रहा हूँ। यार अभी हम लोग जिस जगह पे हमने स्टे किया हुआ है सियाल मोड़ है, और यार यहाँ पर मैंने सिर्फ एक नसूटा जो हम बाहर से 25 रुपये का मिलता है, और 30 रुपये वाले लेस 50 रुपये बनते हैं, 100 रुपये की चीज़ इसने मुझे दी। अच्छा यार सीन ये, मैं फैसलाबाद पहुँच गया। मैंने आपको बोला था ये लड़का साल में से 5 व्लॉग में आएगा टोटल, अभी से 2 व्लॉग में नस के फिर वापस से फैसलाबाद में। बाकी ये भाई मेरे फ़ैन हैं, पीछे गुजरावाला से आए हैं, रशिया से आए हैं। सॉरी, कैसा लग रहा है आपको अपने यूट्यूबर से मिल गया यार? बहुत अच्छा। वो मरियल उसको क्या हुआ? इसको कोरोना हो गया, हमें कोरोना बहुत अफेक्ट कर गया। चरस तो नहीं पी हुई इसने? नहीं नहीं, उसकी कमी महसूस हो रही है। उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ये साल में ऐसे ही कह दो आधा साल ये टूट रहता है। और 6 माह बाद इसको तू वजीर सेहत है, मैं वजीर सेहत हूं ना, तो मुझे इन सब चीजों को देख के तेरी को देख के जरा अफसोस हो रहा है। ये मेरे में क्या है, आप से अच्छी है मेरी सेहत। चलो यार मिलते हैं जाके फॉक्स एंड नाइफ। चल मुझे कहीं लेके जा रहे हैं हम तीनों को यार। यार हम लोग गए थे शाहदेव के तक, यहाँ पे ना बड़ा मज़े का पिज़्ज़ा मिलता है, कौन सा फोर्क एंड नाइफ था आई थिंक, हाँ। तो वहाँ पर हम लग गए, वहाँ पर किसी को ज़रा भी पिज़्ज़ा नहीं पसंद आया। खैर अभी पता नहीं, आज ज़िंदगी में पहली दफ़ा मुझे बड़ी जल्दी नींद आने लगी है, तो ना आई एम गोना स्लीप। तो आपसे मैं कल मिलता हूँ। फैसलाबाद में आज मेरा दूसरा दिन है, और आज मैंने कपड़े चेंज कर लिए। हमेशा मैं साथ ऐसा होता है, मैं अपने साथ कपड़े कैरी करता हूँ मैं, लेकिन कपड़े चेंज नहीं करता, क्योंकि मैं सोच बहुत हूँ। मेरी बहन ने मुझे कहती है तुम एबटाबाद गए हो, तुमने सिर्फ एक शर्ट में ब्लॉग बनाया है, तो आज मैं उनकी कहने फिर मुझे बात याद आ गई, तो फिर मैंने अभी नहा के मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए। खैर अभी हम लोग नाश्ता करने के लिए जा रहे हैं, तो गुड सी। जब मैंने लाया है पहली दफ़ा कोई नाश्ते में स्पाइस का, मेरी सेहत देखें, इसकी सेहत देखें, मैंने अपनी प्लेट पूरी ख़त्म की है। ये दो बंदे मिलके एक प्लेट नहीं ख़त्म कर सकते भाई। नहीं है कुछ चाहिए, मुझे कहते हैं मैं खाना नहीं खाता, ये देख लो खुद आपके सामने सारी फिगर से। ये
अभी नाश्ता वगैरह और लस्सी पीने के बाद मेरा बिल्कुल पेट जो है ना, जो खाना मेरा यहाँ तक गया हुआ और ऊपर से लस्सी पीने के बाद नींद बड़ी मुझे आ रही है, तो मैं सो जाते हैं फिर हम लोग। क्या हुआ निशान फ्री नहीं? फिर सुबह 11:30 बजे हम लोगों ने लस्सी पी थी, उसके बाद हम लोग दोनों आके टन हो गए, मैं भी टन हो गया, ये भी टन हुआ। अभी भी 4 बज रहे हैं, अभी तक नींद चढ़ी हुई है। ये बड़ा आरामी है, इसने मुझे लस्सी पिला के टन गिरा दिया कि बाहर में देख लिया हम लोग। यार लाहौर में ना खोते बड़े मशहूर हैं, वहाँ पे लोग खोते खाते हैं। इसने मुझे अभी बिल्ला बिरयानी खिला दी है यार, तो इतना बड़ा मुर्गी का पट किधर होता है यार? मुझे बड़ा शक है पंजाब फूड अथॉरिटी, अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हो ना, यहाँ पे आके छापा मारना, उसको भी पकड़ के लेके जाना। बड़े आरामी है ये लोग, मुझे गलत चीज़ें खिला रहे हैं यहाँ पे, गलत खाने खिला जा रहे हैं। तू बड़ी आराम मौत मरना है। हाँ खोते यार, चक्कर रात को जब हम लोग फोर्क एंड नाइफ से वापस आ रहे थे तो घंटाघर मैंने देखा था। मैंने सोचा था मैं कल दिन को वापस जाऊंगा, मैंने सुबह का मैं से कह रहा हूँ मैंने घंटाघर जाना है, ये वापस रात को उठा के ले आया यार। अब रात को मैं इधर क्या सिनेमैटिक यार, ये रात भी मजा आता है इधर यार। मैंने मजा नहीं लेने का, रात को मजा ले लेंगे शुरू में, दोपहर को जाता हूँ मैं सिनेमैटिक शॉट्स लेकर ना वापस आ लेके जाना, अकेले आ जाना। अब यहाँ पे अंधेरे में वापस लेकर आ गया, मैं क्या करूँगी यहाँ पे? तो यार ये फैसलाबाद का घंटाघर है, ठीक है, ये आसपास जितने भी है ना, यहाँ से 7 बाज़ार निकलते हैं, मेन में ये आगे निकलता है। अभी हम लोग चिन्योट बाज़ार वाली साइड से आए थे, चिन्योट बाज़ार है, और अभी हम लोग जाएंगे किधर, बंगाली के लस्सी के, क्योंकि इरफान भाई ने कहा था कि आप फैसलाबाद, अगर आपने बंगाली की लस्सी नहीं पी तो आप फैसलाबाद क्यों आए, तो अब हम ठप्पा लगाने जा रहे हैं बंगाली की लस्सी पीने। यार ये कारखाना बाज़ार है, ठीक है, इसको सूतर बाज़ार भी कहते हैं, सूतर मंडी भी कहते हैं। इस जगह को ना मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ में जो कपड़ा जाता है वो रूस तक जाता है। बिल्कुल, बाकी मुल्कों में क्यों जाता है? हर मुल्क में जाता है, जितने भी ब्रांडेड कपड़े देख लो, सारी इम्पोर्टेंट चीज़ पाकिस्तान से बन के जाती है। जब हम सुबह नाश्ते में लस्सी पी कर आए थे, उसके बाद मैं 3 बजे तक सोया रहा था। अभी वापस उसने मुझे शाम में लस्सी पिला दी, इसका मतलब है रात पूरी मेरी अब नींदर में गुजरेगी, इसका मतलब है अब हम सुबह उठेंगे। ये बड़ा आरामी बंदा है यार। यार मेहमान को तरखाने का सबसे बेहतरीन तरीका उसे लस्सी पिला के ना सुला दो, ना आपके पैसे लगेंगे ना आपका टाइम लगेगा, और ऐसे दुगड़ दुगड़ बचे सारे भी हो जाएंगे। कुछ हो जाएंगे लगाऊंगा मैं, अपनी आंखें इस तरह खोल के रखूंगा, मैंने सोना नहीं है। हाँ देखते हैं चलो क्या बनता है, तुम्हें मैं घुमाता हूँ फैसलाबाद। यार आज मैंने ज़िंदगी में अपने ना सबसे ज़्यादा खाना खाया, ठीक है। मैं सुबह मैंने यहाँ था अपना पेट भरा, दोपहर को फिर वापस हमने जब इधर पेट भरा, ये हमारे निशान भाई हैं यार, पीछे पड़ गए कि तुमने खाना खाना ही खाना खाना है। और वैसे निशान भाई और क्या हाल चल है यार आपके, आप यूट्यूब पे आ रहे हो? जी सर पता चल रहा है। तो यार अभी कहते हैं खाना खाना ही खाना खाना है, तो मैंने कहा लाइट से आइसक्रीम खाते हैं, जिस तरह हमारे पिंडी में सेवर है, इस तरह यहाँ पर चावी आइसक्रीम है। लास्ट टाइम हम आए थे तब हमने ट्राई किया था, बड़ा मज़े का था, तो मैंने कहा चलो चावी से आइसक्रीम खा लेते हैं यार। तो अभी हम आए हैं चावी में, फिर इसके बाद हम सो जाने हैं।
क्या ये चाबी है स्क्रीन में, ठीक है इसमें दुनिया जान की मेरी चीज़ें डाली हुई हैं, मेरा जो फ्लेवर है वो मैंने टूटी फ्रूटी वनीला और कौन सा था मेरा टूटी फ्रूटी वनीला कुल्फा हाँ, बाकी इसमें वेफर्स वगैरह हैं, वेफर्स वगैरह हैं, शादेब का ये शेक है चॉकलेट शेक, दूसरे भाई हमारे उनका आपको कौन सा मैंगो और चॉकलेट, तो ये सीन है, गुड सीन है ये। और ये देखें जाहिल लोग ऐसे खाना खाते हैं, ये पहली बार आया ना फैसलाबाद, पहली बार ब्रांडेड खाने खा रहे हैं, हंसो हंसो। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम यार, ये मैं क्या हो गया अली अली हैदराबादी की तरफ ही बोल रहा हूँ। खैर आजकल मुझे बड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन खैर मेरा थर्ड डे फैसलाबाद में, अभी नाश्ते के लिए जा रहे हैं, थर्ड डे के साथ साथ आज मेरा लास्ट डे भी है फैसलाबाद में, इसके बाद भी हमने एक यूनिवर्सिटी का टूर, अगर हो गया तो ठीक है, उसके वरना फिर मैंने वापस पिंडी की तरफ निकल जाना है, तो सी यू देयर। जब वो जो यूनिवर्सिटी वाला टूर था वो भी हो नहीं सका, खैर अभी मेरा जो आखिरी टाइम था वो मैंने कहा एक घंटा क्या देख लूँ दिन में, क्योंकि मेरा बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं दिन में देखूँ, मैंने कुछ तस्वीरें वगैरह लेनी थी, वो दूसरी बार मैंने कहा बंगाली को याद कर लें आखिरी दफ़ा, अभी बस लस्सी पी है, नींद आने लगी है, सफ़र सारा मेरा नींद में गुजरेगा, तो बस फैसलाबाद का सफ़र यहीं तक था, बस आपसे मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में यूनिवर्सिटी का ब्लॉग, तब तक के लिए हाफिज़।